नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साधारण ब्याज के सवाल। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल है, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, ये सवाल है। दोस्तों, इस सवाल को मैंने ट्रिक से भी बता रखा है, उसका वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को अपन बेसिक से और ट्रिक से दोनों तरह से हल करते हैं। दोस्तों, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, अगर बेसिक से देखें तो अपन अगर माना कि मूलधन बराबर है 100 रुपए, ठीक है, मूलधन बराबर है 100 रुपए, समय है 5 वर्ष, और यहां पर समय है 5 वर्ष और हमें दर नहीं दे रखी है, तो यहां पर अगर अपन ब्याज की बात करें तो इसमें ब्याज आएगा अपने पास 100 रुपए, क्योंकि दोस्तों 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, अगर मूलधन 100 रुपए है तो ब्याज भी 100 आएगा, तभी तो मिश्रधन 200 बनेगा, तो 100 का 2 गुना 200, तो अगर यहां पर अपन मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन आ जाएगा अपने पास 200 रुपए, और ब्याज की बात करें तो 100 रुपए आ जाता है। अब दर निकालेंगे तो दर निकालने के लिए अपन को पता है ब्याज गुणा 100 बटे में लिख देंगे मूलधन गुणा समय, ठीक है, समय, तो यहां पर ब्याज आएगा अपने पास 100 गुणा ये सूत्र का 100 लिख देंगे, बटा में मूलधन लिखेंगे 100, ये 100, और गुणा समय कितना है 5 वर्ष यहां लिख देंगे दोस्तों, तो ये 100 से 100 कट गया, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, तो यहां पर अपने पास जो दर है वो दर आ जाती है कितनी, 20%, ठीक है दोस्तों, 20% दर आ गई अपने पास। अब अपन से पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, तो अगर ये 5 गुना होगा, मूलधन 5 गुना होगा तो कितना बनेगा 500, तो वहां पर ब्याज कितना बनेगा 400, तो फिर 400 अगर बनेगा तो अपन को क्या निकालना है, समय निकालना है कि कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। यहां पर अपने पास दर आ चुकी है तो नया मिश्रधन 5 गुना होगा तो कितना आएगा 500, तो मूलधन नहीं तो ब्याज आएगा 400 रुपए, क्योंकि दोस्तों मूलधन तो वही 100 रुपए है। अब अपन से पूछ रहा है समय, तो समय के लिए फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर यहां पर लिख देंगे दोस्तों, तो ब्याज लिखो यहां पर कितना है 400 गुणा 100 बटे में लिख देंगे मूलधन 100 और दर लिख देंगे 20, ये 100 से 100 कटेगा दोस्तों, ये 20 से 20 बार कट जाएगा, तो यहां पर अपने पास आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। तो दोस्तों, वो धनराशि 5 वर्ष में दुगनी होती है तो 20 वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, यहां पर ये आ जाता है अपना आंसर बेसिक से। अब अगर ट्रिक से देखा जाए तो देखते हैं ट्रिक से। चलिए दोस्तों, इस सवाल को ट्रिक से हल करते हैं। ट्रिक से हल करने के लिए ये जो दूसरी बार गुना दे रखा है इसको मानेंगे N2, और ये जो पहले गुना दे रखा है 2 गुना इसको मानेंगे N1, तो सूत्र लगाएंगे अपन दोस्तों, N2-1 बटा N1-1 गुना टाइम समय आ जाएगा, तो N2 है इसमें कितना 5-1 बटा N1 कितना है 2-1, और गुणा में समय लिखेंगे कितना है दोस्तों 5 वर्ष यहां लिख देंगे, बराबर अपने 4/1 × 5 हो जाएगा, और बराबर आंसर आ जाएगा दोस्तों 20 वर्ष। 20 वर्ष यहां पर अपने पास ट्रिक से भी आंसर आ जाता है, बेसिक से इससे पहले अपन ने देखा ही सही। अब आपके ऊपर है कि आप इस तरह से करना चाहते हो या उस तरह से करना चाहते हो। आप इस तरह से करते हो तो आप बिना पेन और पेपर के भी इस सवाल को हल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो बताओ वह किस दर से 7 गुना हो जाएगी। दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल पहले के सवाल जैसा है,
तो इस सवाल को भी अपन बेसिक से और ट्रिक से हल करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सवाल को। दोस्तों यहां पर 10% दे रखी है अपन को दर, दर बराबर है दोस्तों 10%, ठीक है। फर्स्ट बार में अगर यहां पर अपन मूलधन माने तो मूलधन कितना आएगा 100, मूलधन कितना आएगा दोस्तों 100 रुपए। तो मिश्रधन कितना आएगा, तो मिश्रधन आएगा अपने पास 3 गुणी हो रही है तो 300 रुपए मिश्रधन आ गया दोस्तों। तो यहां पर अपने पास ब्याज आ जाएगा, ब्याज कितना आएगा दोस्तों, ब्याज आ जाएगा अपने पास 300 - 100 = 200 रुपए, ये ब्याज आ गया दोस्तों। अब ब्याज आ गया, अपन को समय ज्ञात करना है क्योंकि समय नहीं है, दर भी दे रखी है, ब्याज भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है, तो निकाल लेते हैं समय। तो समय निकालेंगे तो समय के लिए दोस्तों ब्याज गुणा कर देंगे 100, बटा में लिखेंगे दोस्तों मूलधन और गुणा में लिख देंगे यहां पर दर। तो दोस्तों यहां पर ब्याज है अपने पास 200 रुपए गुणा ये 100 और मूलधन है अपने पास, मूलधन 100 रुपए, तो यहां लिख दीजिए 100 और गुणा में दर लिखेंगे कितनी 10%। अब इनको काटेंगे तो 100 से 100 गया, 0 से 0 बराबर अपने पास आ जाएगी दर दोस्तों 20%। 20% सॉरी साहब, यहां पर 20 वर्ष आ गया अपने पास समय, 20 वर्ष आ गया अपने पास समय, क्योंकि अपन ने समय निकाला था, 20 वर्ष समय आ गया। अब अपन निकाल सकते हैं क्या दर, कि किस दर से 7 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों ये यहां तक हो गया, इसके बाद नया मिश्रधन अगर अपन निकालेंगे, नया मिश्रधन तो निकलेगा दोस्तों 700 रुपए, क्योंकि वो कह रहा है कि 7 गुना हो जाती है, तो नया मिश्रधन है 700 रुपए, तो ब्याज यहां पर आ जाएगा दोस्तों 600 रुपए, क्योंकि 100 रुपए मूलधन है। अब अपन को क्या निकालना है, दर, दर निकालेंगे तो ऐसे ही सूत्र लगा देंगे, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय 20 वर्ष, तो यहां लिख देंगे समय बराबर ब्याज कितना है 600 गुणा में 100, मूलधन लिख देंगे 100 और समय कितना है 20 वर्ष, तो यहां पर लिख दीजिए 20 वर्ष, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 20 से 1 कट जाएगा 30 बार। तो इस प्रकार दोस्तों अपने पास आ जाती है दर 30%। ये है इस प्रश्न का आंसर बेसिक से। इसी प्रश्न को चलिए अपन हल करते हैं ट्रिक से। चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं ट्रिक से। दोस्तों यहां पर जो दूसरी बार आ रहा है गुणा में इसको मानेंगे N2 और जो पहली बार आ रहा है गुणा में इसको मानेंगे N1। तो सूत्र लगाएंगे दोस्तों N2 - 1 / N1 - 1 गुणा में आ जाएगा। यहां पर पहले के सवाल में अपन ने समय लिखा था लेकिन यहां पर दर दे रखा, तो यहां लिख देंगे दोस्तों दर। N2 का मान है 7 - 1, N1 का मान है 3 - 1 और गुणा में लिख देंगे दर कितनी 10%। तो दोस्तों यहां पर अपने पास आ जाता है 6/2 गुणा 10, 2 से 1 कट जाएगा 3 बार और बराबर 30% आ जाता है दोस्तों अपने पास आंसर, आंसर आ जाता है 30%। तो 30% की दर से वो धनराशि 7 गुना हो जाएगी। अब देखिए इस सवाल को अगर आप ट्रिक से करें तो बिना पेन और पेपर के भी हल कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप इसे फॉलो करते हैं या फिर आप बेसिक से करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये दोस्तों सवाल है किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो बताओ ब्याज की दर क्या है। दोस्तों इस सवाल को बिल्कुल आसानी से हल कर सकेंगे, आइए इसको हल करते हैं। दोस्तों यहां पर समय दे रखा है अपन को, समय दे रखा है दोस्तों 5 वर्ष और कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। तो दोस्तों यहां पर जो ये 3/5 दे रखा है इसमें इसको अपन ब्याज मान लेंगे और इसको मानेंगे मूलधन। अगर इस प्रकार से अपन मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। अपन यहां पर मूलधन अगर 100 मानेंगे तो उसके हिसाब से इसका ब्याज निकाल सकते हैं और मूलधन भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर अपन 100 नहीं मान करके डायरेक्ट इनको, इसको ब्याज मानेंगे और इसको मूलधन मानेंगे। अब हल करेंगे तो अपने पास ब्याज भी आ गया, ब्याज आ गया 3 रुपए और मूलधन आ गया दोस्तों
₹5। अब इस प्रकार से अगर अपन को ये राशि मिल जाती है तो अपन को करना क्या है, फॉर्मूले में लगाना है, दर निकल जाएगी। दर चाहिए तो दर का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 5 गुणा, और क्या लिखेंगे यहाँ, समय कितना है 5 वर्ष, ये लिख दिया दोस्तों। यहां पर लिख देते हैं मूलधन और यहां पर समय, तो ब्याज कितना है 3 गुणा 100, मूलधन कितना है दोस्तों 5 और समय कितना है 5। तो अब 5 25 और 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 तिया अपने पास आ जाता है 12%, जो इस सवाल का आंसर है। तो दोस्तों दर आएगी 12%। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब आपको बताता हूं कि मूलधन 100 मान करके हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं उस तरीके से। इसको मूलधन 100 मान के करते हैं दोस्तों। यहां पर समय है अपने पास, समय है 5 वर्ष, 5 वर्ष, माना कि मूलधन बराबर ₹100, तो ब्याज बराबर आ जाता है मूलधन का 3/5 निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा 20 बार, और 20 दिया ₹60 दोस्तों अपने पास आ जाता है ब्याज। अब अपने पास साधारण ब्याज आ गया, मूलधन आ गया, समय आ गया, दर निकालनी है तो वही लगाएंगे, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा लिखेंगे मूलधन गुणा समय। तो दोस्तों ब्याज है अपने पास ₹60 गुणा ये 100 बटा मूलधन माना अपन ने ₹100, तो यहाँ लिख दो 100 और गुणा में समय है 5 वर्ष, यहाँ लिख दीजिए 100 से 100 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 12 बार, और इस प्रकार से अपने पास आ जाता है 12% आंसर दोस्तों। तो इतना 100 मानने की जरूरत ही नहीं है, उसमें अपन जो ये 3/5 है इसी में इसको मूलधन मान लेते हैं, इसको ब्याज मान लेते हैं, तो अपना आंसर आ जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये दोस्तों अगला सवाल है, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ₹105 अधिक प्राप्त होते तो वह राशि है। तो दोस्तों यहां पर अपन से पूछा गया है मूलधन, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, चलिए इसको हल करते हैं। फॉर्मूला अपन से पूछी है राशि, वह राशि है तो यहां पर समय दे रखा है दोस्तों, समय दे रखा है अपन को 5 वर्ष, दर का अंतर दे रखा है, दर का अंतर है 3%, और ब्याज का अंतर है, ब्याज का अंतर है दोस्तों कितना, ₹105 अपन को दोस्तों यहां पर ब्याज का अंतर दे रखा है। तो अपन को मूलधन ज्ञात करने के लिए 3 चाहिए थे, 3 फैक्टर ये मिल गए। अब सूत्र लगाते हैं, मूलधन बराबर यहां पर लगाएंगे ब्याज का अंतर गुणा 100 बटा में लिखेंगे अपन दर का अंतर गुणा में लिख देंगे दोस्तों समय। दोस्तों यहां पर अगर अपन से समय पूछे तो ये मूलधन इधर आ जाता है और समय यहां आ जाता है, अगर दर पूछे तो दर यहां आ जाती है, मूलधन यहां आ जाता है, लेकिन यहां पर मूलधन पूछा है तो दर और समय दोनों बटे में आएगा दोस्तों। यहां पर ब्याज का अंतर दे रखा है ₹105 गुणा ये 100 का 100 बटा दर का अंतर दे रखा है, तो यहां भी दर का अंतर लिखेंगे कितना है 3% गुणा, और समय कितना है 5 वर्ष, तो यहां लिखेंगे 5। अब इनको काटेंगे दोस्तों तो अपना आंसर आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 2 10, 5 1 5, 3 से ये कट जाएगा 3 7 21, तो बराबर इस प्रकार अपने पास आ जाता है ₹700। तो दोस्तों वह राशि थी ₹700। आशा करता हूं आपको सवाल पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।